अर्जुन उवाच अयतिहि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न अर्जुन ने पूछा है भगवान से। एक भय हर जीव आत्मा में होता है। वो व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण लेने लगता है, जब उसे भगवान में श्रद्धा हो जाती है, जब उसे विश्वास होने लगता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और उसकी प्रत्येक क्रिया को नोट कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, जब ऐसा जीव अपने भौतिक कार्यों से विरक्त होकर के भगवान की शरणागत हो जाता है, जब वो ये कोशिश नहीं करता कि मैं अपने ऑफिस में प्रमोशन का हकदार हो जाऊं, कुछ ऐसा करूं कि मुझे बड़े बड़े पैकेजेस मिलने लगे, बड़ी बड़ी तनख्वाह उठाने लगूं, या बड़ा बड़ा पद हो जाए मेरा, यानी उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसकी दिलचस्पी, उसकी रुचि खत्म हो गई भौतिकता के कार्यों से, तो ऐसे में भौतिकता के कार्य से भी वो विरक्त हो गया। और अगर कभी भविष्य में वो भक्ति से गिर जाए, हो सकता है कभी भविष्य में भक्ति में उसका मन लगना बंद हो जाए, उससे विचलित हो जाए, तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? भाई एक तरफ तो वो संसार से भी गया और दूसरी तरफ भगवान भी नहीं मिले, संसार भी हाथ से छूट गया क्योंकि विरक्ति होने लगी, छोड़ना पड़ा, सोचा कि छोड़ देते हैं शायद भगवान मिल जाए, और आगे जाकर के भगवान की भक्ति में आगे जाकर के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद अगर किसी वजह से, मन में लालच आने की वजह से या अन्य किसी वजह से कोई व्यक्ति भक्ति से गिर जाता है तो उसका क्या होता है? ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ऐसी गति हो जाएगी क्या? ना तो भगवान मिले और ना ही दुनियावी चीजें, दुनियावी आकर्षक वस्तुएं, कुछ नहीं मिली, क्या होगा? तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है अर्जुन का, जो वो हम सभी भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए भगवान से पूछ रहे हैं।